महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अब तक हर संभव प्रयास जारी रखे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और एक एक कर मध्य प्रदेश के सभी गांव स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पहले कहीं देखा वहीं कचरा, कहाँ देखा वहीं कचरा, ऐसे रहता था। अच्छा लगता है, साफ सुथरा ही लगता है अब तक। अच्छे मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जिले के जिन ग्रामों में पहले गंदगी और जल संकट बना रहता था, आज वही गाँव स्वच्छता और जल संरक्षण के महत्व को जान गए हैं। सरकार और आम जन के सामुदायिक प्रयासों से अब गांव स्वच्छ सुंदर बन गए हैं। ऐसा ही एक ग्राम है बैतूल के चिचोली विकास खंड की ग्राम पंचायत निवारी, जिसे अब ODF से ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। निवारी चिचोली ब्लॉक मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर बसा है। कुल 3456 आबादी वाले निवारी गाँव के सभी 455 घरों में अब शौचालय है, जिनका अब सभी परिवार उपयोग कर रहे हैं। साफ सुथरी सड़कें, ठोस और तरल अपशिष्ट के उचित प्रबंधन ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। धीरे धीरे जैसे घर के सामने मतलब गाड़ी आने लगी है, तो घर का जो भी कचरा रहता है वो पूरा उसमें लगाने लगे, क्या बोलते हैं, कचरे गाड़ी में डालने लगे। लेकिन गाँव की ऐसी तस्वीर पहले नहीं थी। गाँव ODF तो था, लेकिन लोगों की आदतों में सुधार लाने की चुनौती अभी भी बनी हुई थी। गांव की सड़कों पर जगह जगह कीचड़ और कचरा दिखाई देता था। शौच के लिए लोग खेतों और जंगल की तरफ जाया करते थे। गंदगी से बीमारियां और कुपोषण स्थायी समस्या बन चुके थे। महिलाओं को पीने योग्य पानी लाने गांव से दूर जाना होता था, जिसमें समय और परिश्रम लगता था। जाते थे पानी के लिए कहां, कुआं में जाते रहे, कुआं से पानी लाते थे तो वो मड़का गिर जाता, पानी आते रहते घिसल जाए पैर, गिर गए, फिर आते घर और फिर दूसरे मड़का ले जाता। गांव को स्वच्छ बनाने और प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के लिए ग्राम में निगरानी समिति और स्वच्छता ग्राहियों ने काफी मेहनत की। ग्रामीणों की आदत को बदलने की दिशा में काम किया गया। PRA सर्वे रैली और बैठकों के माध्यम से ग्राम को सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण की जिम्मेदारी सुनिश्चित की और ग्राम में 100% शौचालय निर्मित किए गए। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर प्रबंधन के लिए किचन गार्डन, व्यक्तिगत सोख पिट, सामुदायिक सोख पिट और नालियों जैसे संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे अब भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो रही है और जल संकट से भी मुक्ति मिल गई है। लोगों की सोच को हम लोगों ने बाल टोली वगैरह बना के, विसिल बजवा के, लगातार रैलियां वगैरह और हमारी स्वच्छता टीम के साथ यहां पर लगातार मोटिवेट किए लोगों को। बर्तन मांजते जहाँ पीछे, तो उसको लिचपिट बनाई गई जहाँ साफ सफाई के लिए, जो भी उसमें वो जो पानी उसमें जा रहा है तो उससे भी क्या वाटर लेवल पूरा दिनों दिन मतलब बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पे लिचपिट बनाई गई। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत नाडेब, सामुदायिक नाडेब निर्मित किए गए हैं। सभी घरों में दो दो डस्टबिन है, जिससे लोग घरों के बाहर कचरा नहीं फेंकते। रोजाना गोबर, चारा और घरों से निकला गीला सूखा कचरा नाडेब में डाला जाता है। जिला प्रशासन बैतूल का प्रयास है कि स्वच्छता लोगों की आदत बन जाए, जिससे सरकारी मदद के बिना भी गांव में इसी तरह स्वच्छता बनी रहे। ये एक काफ़ी ज़्यादा आबादी वाला गांव है, जिसकी आबादी लगभग करीबन 3500 की है, और यहां पे जो लोग हैं, जो निवासी हैं, जो स्वच्छग्राही हैं, जो जनपद की टीम है और जो जिले की स्वच्छ भारत की टीम है, और जो संपूर्ण जनभागीदारी से इसको ODF प्लस करने में कामयाबी मिली है। केवल आदतों में बदलाव लाने से अब यहाँ स्वच्छता है, खुशहाली है और गांव का हर नागरिक अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को बखूबी जान गया है।